इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म की बात करें तो आपको इस लिस्ट में पद्मावत फिल्म का नाम जरूर मिलेगा। पद्मावत सिर्फ कंट्रोवर्शियल ही नहीं, सबसे कामयाब फिल्म भी बन चुकी है। ये फिल्म साल 2018 जनवरी में रिलीज हुई थी, लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। खबरों की माने तो फिल्म में महाराजा रावल सिंह का जो किरदार शाहिद कपूर ने निभाया था, वो हमारे बाहुबली यानी तेलुगु सुपरस्टार प्रभास को ऑफर हुआ था। जी हाँ, खबरें हैं कि पद्मावत के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने प्रभास को फिल्म में राजा रावल सिंह का किरदार ऑफर किया था, लेकिन प्रभास को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की कामयाबी के बाद पद्मावत में उनका रोल छोटा महसूस होने लगा और जिसके चलते इस फिल्म को प्रभास ने ठुकरा दिया, जिसके बाद ये रोल सीधे शाहिद कपूर की झोली में आ गिरा। वैसे अब तक ना इस खबर पर खुद संजय लीला भंसाली ने कुछ कहा है और ना ही प्रभास का कोई रिएक्शन आया है। वेल, जो भी हो वो तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। फिल्म पद्मावत को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी और शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म ने सिर्फ भारत के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिलहाल प्रभास अपने फिल्म साहो की शूटिंग में बिजी हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।